ऑलराइट, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वापस आ चुका हूँ आप सभी के सामने लेके पपी प्ले टाइम चैप्टर 3 की ढेर सारी डिटेल्स। आई नो इस बीच बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं, डे बाय डे निकल रही हैं, स्क्रीनशॉट्स, कुछ लीक्स, कुछ रिलीज डेट की प्रोडक्शन या फिर बहुत सारी चीज़ें इस बार इस हफ्ते रिलीज हुई है। और इस हफ्ते एक और चीज़ निकल के आई है, आज ही निकल के आई है, जहाँ पर हमें कहीं ना कहीं हिंट मिलता है चैप्टर 3 से गेम प्ले ट्रेलर रिलीज डेट का। आइए बात करते हैं डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं वंस अगेन पपी प्ले टाइम चैप्टर 3 के ऊपर। यहां पर हमें नए स्क्रीनशॉट देखने को मिलते हैं, जो हमने देखे थे स्टीम में वो अब सब हटा दिए गए हैं और उनके जगह पर नए स्क्रीनशॉट ऐड किए गए हैं, जो कि इस गेम को, इस कहानी को और चैप्टर 3 को कहीं ना कहीं अच्छे से शोकेस करता है कि ये गेम कितना डार्क होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इन स्क्रीनशॉट्स की। फर्स्ट, आप देख रहे हो इस स्क्रीनशॉट में कई हद तक हम देख पा रहे हैं डार्कनेस, और वहाँ पर हम देख पा रहे हैं दरवाजे पर वो जो भी है वहाँ पर कुछ श्राइन कर रहा है लाइक अ लिक्विड, और हो ना हो वो ब्लड है, क्योंकि हम वही सेम ब्लड हम देख पाते हैं फ्लोर पर। वहाँ पर कई सारे मैकेनिक्स रखे हुए हैं, मैकेनिज्म हैं, प्लस कई सारे टॉयज को उसमें गाड़ा गया है। ऊपर हम देख पाते हैं ब्रॉन, बर्नी, इन सब को रोप के थ्रू यहाँ पर कहीं टंगाया गया है। आई डोंट नो कि ये क्या है, लेकिन हम देख पाते हैं कि जो ये सीन है वो कई हद तक बहुत ज़्यादा डार्क और डरावना लग रहा है। यहीं पे नेक्स्ट स्क्रीनशॉट निकल के आती है, जो कि कई हद तक लग रहा है कि कोई ट्रेन स्टेशन की है या फिर कोई गेम स्टेशन की है। हम देख पाते हैं यहाँ पर चार दरवाजे हैं और चारों के लिए वहाँ पर एंट्री दी हुई है। वहीं पर ही सेंटर में हमें एक बिग टॉय देखने को मिलता है, जो कि है हगी वगी, लेकिन ये रियल नहीं है, ये सिर्फ उसका एक स्टैचू है, एक सिल्वर स्टैचू, क्योंकि हम यही सेम स्टैचू देख पाए हैं प्रोजेक्ट प्ले टाइम में भी। वहीं पर हम देख पाते हैं नीचे टॉयज, द डेड टॉयज, हगी वगी, मिनी हगी वगी, और प्लस यहाँ पर कुछ टॉयज और भी हैं जिसमें से उन सभी के हेड अलग किए गए हैं। साइड में हम देख पाते हैं एक पेंटिंग, जहाँ पर हम हगी वगी, मम्मी लॉन्ग लेग्स, किसी मिसी, और यहाँ पर कुछ बुगी बॉर्ड्स और कुछ स्मॉल टॉयज हैं, जो कि एक सम काइंड ऑफ गार्डन में है। जहाँ तक बात करें इस पूरे स्क्रीनशॉट की, तो हम देख पाते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कुछ स्केचेस बने हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें एक फ्रेम भी दिखता है पपी प्ले टाइम का, और जो मेन स्टैचू है हगी वगी का, उसमें हम देख पाते हैं सेंटर बॉडी में कुछ छुपाया हुआ है। वहीं पर हम देख पाते हैं वो ब्लू असल में मिनी हगी वगी है, जिसमें से ये ब्लड बहता हुआ नीचे आ रहा है। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आपको कई हद तक याद दिलाएगा FNF सिक्योरिटी ब्रीच की, जहाँ पे हम जाते हैं डे केयर में, और वहीं पर ऐसी ही एक जगह होती है जहाँ से हमें झुक के निकलना पड़ता है। बेसिकली एक्चुअली ये बच्चों के लिए बनाया गया होता है, तो ये भी हो सकता है कि ये भी कहीं प्ले केयर में ही कोई जगह हो, और जहाँ हमें जिक्र मिला था होम स्वीट होम, तो हो ना हो ये आप जो सीन देख रहे हो, जो स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये होम स्वीट होम का ही हो सकता है। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट हम देख पाते हैं एक ऐसे रूम की, जहाँ पर वॉल पे चार पावरफुल टॉयज बनाए गए हैं, मम्मी लॉन्ग लेग्स, हगी वगी, जिन्हें कि हम फेस कर चुके हैं चैप्टर 1 और 2 में, बॉक्सीबू फेस कर चुके हैं प्रोजेक्ट प्ले टाइम में, और यहाँ पर हम देख पाते हैं एक नया टॉय। अब ये हूबहू वैसा ही टॉय है जो कि हमें चैप्टर 3 में देखने को मिलने वाला है। मैंने जो स्क्रीनशॉट्स और कई सारी डिटेल्स व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करी थी और इंस्टा पर शेयर करी थी, तो आप सभी को मालूम ही होगा कि जो नया टॉय निकल के आने वाला है, जो एनिमी है, वो असल में एक कैट हो सकता है, लुकर लाइक कैट हो सकता है। बस फर्क इतना है कि उस पर एक पर्पल लेयर चढ़ी है, और यहाँ पर हम देख पाते हैं एक डिफरेंट टाइप ऑफ टॉय। अब बीच में कई सारे फोटोज निकल के आई थी बहुत सारे स्मॉल टॉयज की, तो वहाँ पर ये भी था, और वहाँ पर वो भी था जो कि इस चैप्टर का मेन विलन है, द कैट लाइक टॉय। बाकी अगर आप इस रूम को ध्यान से देखते हो, तो यहाँ पर आपको बेड्स दिखते हैं, आई डोंट नो कि ये उन ऑर्फन्स के लिए है या फिर नहीं है, यहाँ पर एक स्टडी टेबल भी लगाया गया है। वहीं पर जूम करने पर हम देख पाते हैं बेड में वो टॉयज पड़े हुए हैं, मिनी हगी वगी, और उनके भी हेड गायब हैं। सो आई डोंट नो कि क्या ये जानबूझ के किया गया है कि सभी टॉयज जो भी हमें अब तक प्ले गियर के थ्रू देखने को मिल रहे हैं, वो सभी के हेड गायब हैं, सभी के हेड जो उनकी बॉडी है उससे अलग है तो वहीं पर ही, लेकिन बस उनसे अलग है। और सेम शॉट हमने देखा था हगी वगी का, जहाँ पर उसका हेड उसकी बॉडी से अलग था और एक नोकरी चीज पे घुसाया गया था। वंस अगेन यहाँ पर हमें एक और स्क्रीनशॉट देखने को मिलता है, जहाँ पर लिखा हुआ है द आवर ऑफ जॉय। अब ये डायलॉग, ये लाइन, ये स्टेटमेंट हम कई जगह पे देख पाए हैं। हम देख पाते हैं ऊपर वही ब्रॉन और एक और टॉय लटका हुआ है, जैसे कि हमने फर्स्ट स्क्रीनशॉट में देखा था। नीचे ब्लड है, और यहाँ पे दो पोस्टर है जहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग इज फन,
1+2=3 और यहाँ पे वही ब्लू और ऑरेंज टॉय बनाया हुआ है जो कि हम ऑलरेडी देख पाए थे उन स्क्रीनशॉट में जहाँ पर बहुत सारे टॉयज निकल के आए थे विद द सेम वैरायटी। यहाँ पर हम देख पाते हैं कुछ नोट्स जिन्हें कि फाड़ा गया है और कुछ बैग्स हैं बच्चों के लाइक द ब्लू वन, रेड वन, ब्लैक वन। यहाँ पे एक रिमोट है और एक रेड नोटबुक है। यहाँ पे कुछ चेयर लगी हैं जो कि मे बी हो ना हो जहाँ पे बच्चों को वेट करना होता होगा। जो ये सीट लगा रखी है वन बाय वन हम देख पा रहे हैं कि अंदर एक रूम है और हो ना हो ये एक वेटिंग एरिया होगा फॉर द किड्स। यहाँ पे मैंने इन स्क्रीनशॉट्स को ज़्यादा डीपली एनालाइज नहीं किया है। जो भी हमें दिखता है एक नज़र में या फिर दो नज़र में वो मैंने आपको बता दिया है। बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि आप इतना इस चीज़ में ना घुसें, इतना डीपली इन सब स्क्रीनशॉट को ना देखें, क्योंकि हो ना हो कहीं ना कहीं आपका जो मज़ा है वो गेम खेलने पर ख़राब हो जाएगा। इसलिए फ़िलहाल के लिए जो भी चीज़ें थी डीपली बताने वाली वो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो तो उसको बस एक नज़र देखो, इतना डीपली मत घुसो, क्योंकि होना हो आपका गेम प्ले का जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा। सो ये थे वो सारे स्क्रीनशॉट जो कि अभी स्टीम पे नए आ रखे हैं। यहाँ पर ऐसे और भी स्क्रीनशॉट थे जो कि अब स्टीम से हटा दिया गया है, आई डोंट नो व्हाई, और उनकी जगह पर इन स्क्रीनशॉट को लेके आए हैं। होना हो क्या पता कि वो गेम में ना हो, जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन हाँ वो सारे स्क्रीनशॉट मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर चुका हूँ और आई थिंक मैंने इंस्टा पर भी शेयर किया है। वहीं पर डिस्कॉर्ड पर ही एक और न्यूज़ निकल के आई है जो कि ये दावा करती है कि कहीं ना कहीं चैप्टर 3 दिसंबर में रिलीज होने वाला है, और ये खुद कहा है टाइलर ने जो कि डिस्कॉर्ड चैनल के कम्युनिटी मैनेजर हैं। यहाँ पर वो ये भी लिखते हैं अ फीलिंग अबाउट टुमारो, यानी कि हो ना हो हमें कल कुछ ना कुछ मिल सकता है लाइक द गेम प्ले ट्रेलर रिलीज डेट या फिर गेम की रिलीज डेट। सबसे पहले आएगा इसका गेम प्ले ट्रेलर, वहीं पर हमें इस गेम का जो एक्चुअल डेट है वो मालूम चलेगी। सो वेट फॉर टुमारो। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 10 नवंबर को, सो अगर आप आज देख रहे हो, 11 को देख रहे हो, तो यानी आज कुछ ना कुछ रिलीज हो सकता है रिलेटेड पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3। ऑल राइट, तो ये थी मेन चीज़ें जो कि आपको बताना ज़रूरी था मुझे, मैंने बता दिया है। नेक्स्ट टाइम से हम ये स्मॉल न्यूज़ पर वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन वो चीज़ मैं आपको अपडेट कर दूंगा हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, तो जाके फॉलो करें वहाँ पर हमें, और इंस्टा पर जब कोई बड़ी चीज़ निकल के आएगी तब हम वीडियो बनाएंगे और इस चीज़ पर बात करें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें बिल्कुल भी ना जाएं, यहाँ तक देख लिया हो तो पर्पल हार्ट स्पैम करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलूंगा आपसे जल्द ही अगर एक बड़ी अपडेट आती है तो। टिल देन मैं विके मिलता हूँ अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखें, मज़े करें, खुश रहें और देखते रहें। धन्यवाद।